बच्चा आपने ली थी यहाँ पर, यहाँ से घसीट के हमारी दोनों बहनों को बहुत बुरी तरह से मारा है, यहाँ से घसीट के हमारे बहनों को दोनों को। नमस्कार, नीरज राज के साथ मैं राजकुमार गौतम, आप देख रहे हैं सूरभ सलोनी। 1 जुलाई को चनईपुर ग्राम पंचायत में एक घटना घटित हो गई जिसमें एक महिला की जान भी चली गई। थाना कप्तानगंज के अंतर्गत ये चनईपुर ग्राम पंचायत आता है। अब मैं घटना स्थल पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार हुई है, ये ईंट अड्डे से जो है यहाँ पे मार हुई, वहाँ से घसीटते हुए लेके आए हैं महिला को और यहाँ पे मार हुई है। ये घटना है 1 जुलाई की, दो पक्षों में मार हुई, हन्नू लाल और एक राम कृपाल, एक गांव के ही निवासी हैं दो, हाँ राजा राम का भी नाम उसमें आ रहा है, राजा राम हन्नू लाल ये दोनों भाई हैं और राम कृपाल से हुई। सुबह घटना हुई 8 बजे, उसके बाद जो है हन्नू लाल को जिला अस्पताल रेफर हुआ, जिला अस्पताल से उनको जो है बीआरडी गोरखपुर रेफर कर दिया गया। उसके बाद एक महिला राम कृपाल की लड़की को चोट लगा, मारपीट में चोट लगी, उसके बाद इसको सीएससी कप्तानगंज भर्ती कराया गया, वहां से रेफर कर दिया गया, जिला अस्पताल में ले जाया गया जहां लगभग शाम को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद थाने पे मुकदमा पंजीकृत हुआ, लाश घर पे आई, फिर जो है थाने से लोग आए, अधिकारी कर्मचारी, इसके बाद पीएम के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए बस्ती रेफर कर दिया गया। कल लगभग शाम 3 बजे लाश मिली, अभी हम यहाँ घर पे हैं, घर के लोग सब, पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल फैला हुआ है। एक 22 वर्षीय जिनका नाम जो है लक्ष्मी बताया जा रहा है, उसकी इस तरीके से हत्या की जाती है, यह निर्मम और जघन्य अपराध है। हम जानते हैं जो है घर वालों से कि क्या मामला था, पूरी कहानी। हम लक्ष्मी के घर पे हैं जिसकी डेड बॉडी आप देख सकते हैं वहां पे रखी हुई है, और आप हैं जो है राम कृपाल जी, लड़की के पिताजी, आप इधर आ जाइए, लड़की के पिताजी हैं। बताएं घटना कैसे हुई, घटना कैसे मारी नहीं, कैसे मारी नहीं, से लड़कन पलकन में होता है जो घेरा घेरा लेकिन मारे लगे। अच्छा, तो आप कहाँ थे? हम यही रहन साहब, हम पुरनिया मनई का करी जो यह काम करवावत रहे जो पुरनिया। अच्छा। आदमी और तो कोई जो लड़कन के हिंच ले गए, हम सम्हारा रहे ना बाबू हाथ जोड़ता है उनके सबसे बचावता है। हाँ, मार के वाला हम। अच्छा, विवाद कैसे हुआ, मारपीट कैसे हुआ, कोई कारण था, कोई रंजिश पुरानी थी, क्यों मारपीट हुआ? पुरानी रंजिश थी। हम लोग यहाँ पर टीना रखवा रहे थे अपना, सुबह लगभग 6 बजे। आप कौन हैं? आप हम लक्ष्मी के भाई हैं। अच्छा। यहाँ पर हम टीना रखवा रहे थे और वो क्या कहते हैं हन्नू लाल के घर वाले और राजा राम के घर वाले सब लोग आए यहाँ पर। पहले गाली हम लोगों को, हम कुछ बोल ही नहीं रहे थे, लेकिन सब लोग आए यहाँ पर गाली हमको देने लगे, और इनके सभी आदमी बीरेंद्र, रामकरण, प्रमोद, श्याम सुंदर, उनकी पत्नी मिसलावती, फिर सोनम देवी और श्रीमती, और फिर अशोक और सकपाल नहीं, और राजा राम और निरंजन, ये सब मिलके और उनके भाई सभी लोग मिलकर आके यहाँ पर लाठी डंडा सब लेकर, और वहाँ से वहाँ पर दिखाइए, पहले वहाँ पर दिखाइए वो छत जहाँ पर वहाँ दो लोग हैं, वहाँ छत पर से वहाँ से ईंट फेंक रहे थे, वहाँ से सब लोग ईंट फेंक रहे थे हमारे घर पे। और आइए यहाँ पर सब बैठे थे हमारे घर वाले। अच्छा, हमारी बहन, बच्चा आपने ली थी यहाँ पर, यहाँ से घसीट के हमारी दोनों बहनों को बहुत बुरी तरह से मारा है, यहाँ से घसीट के हमारे बहनों को दोनों को वहां पर लेकर जाके, आपको बता रहे हैं, हमारी बहन है दो, हमारी भाभी, ये भाभी है और ये भाभी है, सबको कोई किसी ने नहीं मारा है, हमारे ये छोटे छोटे बच्चे इन लोगों को भी नहीं देखे, सब लोगों को यहाँ से घसीट ये बता रहे हैं, यहाँ से घसीट कर यहाँ पर मारे हैं। आइए आइए यहीं पे आइए, जाते मजदूर जाइए वहाँ पे हो गया ना जहाँ पर मारे हैं। और पहले यहाँ पर खूब मैंने मारे हैं, फिर यहाँ से घिसराते हुए आराम से यहाँ से घसते हुए यहाँ पर पूरा, फिर ईंट से
पूरा लेकर यहाँ से मारे हम, लाठी डंडा सब लोग लिए थे, 8-10 लोग थे, और वहाँ छत पे चली दिखा दे, वहाँ पर ईंट रखा है, वहाँ से फेंक फेंक कर मार रहे थे हम लोगों को, हमारे बहन को मारे है, और हमारे अभी किसी का गिरफ्तारी भी नहीं हुआ है, और 2 दिन से हम फाइल सुनने में तो आ रहा है कि गिरफ्तारी हो गई है लोगों की, किसको नाम पूछ लीजिए आप, किसी का नहीं अभी हुआ है ये लोग, हाँ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही अभी। तो क्या मांग है प्रशासन से, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, कैसी कार्रवाई आप लोग चाह रहे हैं? मुकदमा तो पंजीकृत हो गया है, सुनने में आ रहा है 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, और आप और क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार हो उन सबको, जिसने मैंने सबको, मेरे बहन को जिसने जिसने मारा है घसीट घसीट कर, उनको जीवन कारावास चाहिए। अच्छा, जीवन कारावास या फांसी हमें चाहिए, हम नहीं जानते। जैसे मेरे ननद गई, वैसे मतलब उन्हों लोग के हमें चाहते हैं। अच्छा, हाँ नहीं तो उनके घर में ताला लगे चाहिए। अच्छा, हाँ मतलब गिरना चाहिए, नहीं ताला लगे चाहिए, कुछ नहीं कुछ काम करना चाहिए, हम ये चाहते हैं। मेरे जान के बदले जान लेना चाहते हैं, मेरे ननद जान के बदले जान, वो तो न्यायिक दंड संहिता के हिसाब से आपको मिलेगा, जान के बदले जान ऐसा कहना नहीं है। जीवन कारावास तो दे सकते हैं, वो तो कानून के हिसाब से जो होगा प्रक्रिया वो तो मिलेगी। जीवन का और कुछ मांग है प्रशासन से? और कुछ नहीं, हमें न्याय चाहिए, हम नहीं जानते। ठीक, मैं यहाँ अभी घर पे ही मौजूद हूँ, ये लड़की की माता जी हैं, और ये लड़की की भाभी जी हैं, और ये भी लड़की की भाभी जी हैं। अब जानना चाहेंगे, जानते हैं इनसे कि क्या मामला हुआ था, और कैसे आप कहाँ थी जब विवाद हो रहा? हम रहने मतलब वही थे, मतलब गए थे अपने ननद के देवर के बचाने, बस मेरे को उठा के पटक दिए, मारने बहुत मारने, मतलब मेरे बेहोश कह दिए। अच्छा, हाँ इतने मारे कि मेरे को होश नहीं दोबारा, फिर वहाँ लेके आए थे घर पे, पानी उनी छोपे तो होश आए। अच्छा, हाँ आपको? हम वही रहन, हम अपने लड़कियों को बचा रहे, हमें एक ईटा मारे है ना, और बरवा पकड़ के खींच ली है। अच्छा। माता जी आप बताएं कैसे घटना हुई, कैसे? बहुत मारे हैं, बहुत मारे हैं, मेरे बेटा हुआ के खींच लिया, लड़का गन बटवा छोड़ावा गए ना, ईट वाला ले खून डाल बेटा हुआ कमरे में, वो गए दवाई की राह लगाए, हम बचाने के लिए गए हैं, मुझे भी मार दिया, मेरा कमर टूट गया था, मतलब दवा भी हुआ है, तब जाके सही है, पैर में मेरा बाल उखाड़ के वहाँ घिसीटते हुए लेकर गए, मेरे अपने बहन को बचाने के लिए जा रहे थे, वही रास्ते में ही रोक दिए, सब लोग ईंटा बहा बहा के मार रहे थे मुझको, तब हम वहाँ पर गए ने, मेरे बहन को घसीटते हुए लेकर गए अंदर, और कुछ उसको मुंह में, मतलब 3 लोग थे वो मुंह में उसके डाल रही थी, पता नहीं तीनों लोग गिलास में से मुंह में डाल रही थी उसके। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मामले में 1 तारीख को ही मुकदमा पंजीकृत हो गया है, नए भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से मुकदमा पंजीकृत हुआ है, 2 लोगों की अभी तक जो सूचना मिल रही है, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लाश कल शाम को पोस्टमार्टम से यहां घर पे आई है, इन लोगों को लाश मिल गई है, अभी ये लोग जो है लाश को दफनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। पूरी रिपोर्ट राजकुमार।